हाय गाइस, आज मैं आपके साथ एक अपनी फैमिली रेसिपी शेयर करूंगी जो कि एक सीक्रेट ऑयल की रेसिपी है जो मेरे फादर ने हमें बहुत पहले बताई थी। ये एक बहुत बड़ा राज है। इस रेमेडी से आपके बाल दोबारा से ग्रो करेंगे। जहाँ पे बॉल्ड पैचेस हैं या गंजापन है उसको भी ये ख़त्म करेगा और बालों के बहुत ज़्यादा टूटने को भी रोकेगा। और ये सब चीज़ें हम सिर्फ एक ही रेमेडी में अचीव करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मैजिकल रेमेडी कौन सी है। ये है नीम ऑयल की रेसिपी। नीम ऑयल एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंग्रेडिएंट है। ये हमारे बालों के नेचुरल मॉइस्चर को अंदर रोकता है जिसकी वजह से हमारे बाल सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं और इससे ही हेयर फॉल भी प्रिवेंट होता है। इसके अलावा नीम ऑयल हमारे बालों को टूटने से भी रोकता है और इनकी हिफाजत करता है। नीम ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स भी होते हैं जो कि हमारे बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करते हैं और खुश्की को दोबारा आने से भी रोकते हैं। ये आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए किसी भी और शैम्पू से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब मैं आपको सिखाऊंगी इसको प्रिपेयर करने का मेथड। सबसे पहले आपने नीम के पत्ते लेने हैं और उसको अच्छी तरह से धो लेना है। इस बात को इंश्योर करना है आपने कि उसके अंदर कोई भी मिट्टी या डर्ट ना हो। नीम के पत्तों को लेकर आपने इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। अगर आपको लगे कि आपके पत्ते या आपका मिक्सचर जो है वो ड्राई है तो उसके अंदर 4 to 5 ड्रॉप्स पानी ऐड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आपने 1 कप कोकोनट ऑयल लेना है और डबल बॉयलर के अंदर उसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। कोकोनट ऑयल के अंदर आपने 4 to 5 टेबल स्पून नीम ग्राइंड किया हुआ ऐड करना है और इसको 10 to 15 मिनट्स तक हीट करना है। इसको आपने साथ साथ मिक्स करते रहना है जब तक उसका कलर डार्क ग्रीन ना हो जाए। कलर को चेक करने के लिए आप किसी वाइट प्लेट के अंदर अपना ऑयल थोड़ा सा छान के देख लें। अगर आपको कलर लाइट महसूस हो तो इसको आपने मज़ीद पकाना है जब तक कलर डार्क ग्रीन ना हो जाए। नीम ऑयल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। नीम ऑयल के अंदर वो सब इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे बालों की नशोनुमा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नीम ऑयल यूज़ करने से आपका गंजापन भी दूर होगा और आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। ये आपकी स्कैल्प को यानी कि आपकी जिल्द को जो आपके बालों की है उसको भी नरिश करता है। नीम ऑयल की बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये फंगस को जिसे कैंडिडा कहते हैं उसको भी फाइट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये कैंडिडा हमारी डैंड्रफ के अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा नीम ऑयल जुओं के खात्मे के लिए भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। नीम ऑयल को आप 7 to 8 मंथ्स तक किसी एयर टाइट जार के अंदर बंद कर सकते हैं। इसको आपने नहाने से 1 घंटा पहले अपने बालों में लगा लेना है और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। नीम ऑयल से आपके बालों की ग्रोथ 3 times फास्टर होगी। ये किसी हेयर ग्रोथ पिल से भी ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट है। इसे आपने वीक में सिर्फ 2 times यूज़ करना है और इस रेमेडी को 2 months तक यूज़ करते रहें। मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ भी ये रेमेडी शेयर की है और उनके मुताबिक 2nd week के एंड पे ही डिफरेंस फील होने लग जाता है। मैंने ये रेमेडी अपनी एक दोस्त के साथ शेयर की और उसके बाल सिर्फ 6 महीनों के अंदर 36 इंचेस लंबे हुए। बालों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। मेरी अम्मी के बाल 32 इंचेस लंबे हैं लेकिन उनको 1 साल लगा था अपने बालों को इतना लंबा करने में। मैं भी ये रेमेडी बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ इस रेमेडी का रिजल्ट देख के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ
और अभी के लिए बाय बाय।